उदय प्रताप कॉलेज में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ छात्रों ने बाहर से आए लोगों पर धमकी देने और झगड़े की नीयत से छात्रावास में घुसने का आरोप लगाकर पिटाई कर दी। छात्रावास के छात्रों ने बाहरी लोगों की गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करने के साथ ही कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर दिया। वहीं छात्रों का आक्रोश देखते हुए बाहर से आए लोग अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर शिवपुर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। चंदेल कुमार दुबे ने बताया कि उनका बेटा आदित्य कुमार दुबे उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ता है। मंगलवार को कुछ बच्चों ने कॉलेज परिसर में मारपीट किया था, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई। बुधवार को जब घटना की शिकायत लेकर प्रिंसिपल से मिलने के लिए कॉलेज गया तो बेटे के साथ मारपीट करने वाले छात्र शोर मचाने लगे और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र आ गए। ईंट पत्थर चलाते हुए छात्र उनके गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे तो गाड़ी छोड़कर दूसरे रास्ते से निकलना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्रों ने गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं असलाह लेकर धमकी दिए जाने के आरोपों को नकारते हुए चंदेल कुमार ने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं वह बिल्कुल ही गलत हैं। हम सभी केवल प्रिंसिपल से मिलकर मंगलवार को ही घटना की शिकायत करने पहुंचे थे, बस इसी से नाराज छात्र ईंट पत्थर चलाने लगे। परिजनों के साथ प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार पांडे भी मौके पर पहुंचे थे। राजेश कुमार पांडे ने बताया कि छात्रों ने उनके ऊपर भी हमला किया है, जबकि मंगलवार की घटना को लेकर मात्र प्रिंसिपल से मिलकर दोबारा छात्र झगड़ा न करें इसके लिए कॉलेज गया था। वहीं उन्होंने बताया कि घटना में करीब 4 से 5 लोगों को चोट आई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। मौके पर पहुंची शिवपुर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की माने तो दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर चंचल कुमार दुबे हूं। किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है, पूरा बताएं। घटना कुछ नहीं थी भैया, ऐसा था कल मेरा एक बच्चा है वो भी कॉलेज पढ़ता है, कल गया था परीक्षा देने, परीक्षा दे से लौट रहा था, बुलेट से गया था तो लड़के कुछ आए बोले कि क्यों बुलेट से आता है, हीरो बनता है, ऐसा ऐसा तुम्हारी गाड़ी आवाज़ करती, कल से दिखना मत। तो आगे चाबी भी निकालने लगे तो बोला अरे भैया चाबी क्यों निकाले, हम तो परीक्षा देने आए हैं। आदित्य कुमार दुबे नाम है, वो सीधा लड़का है, पूरा कैंपस जानता है सारे लोग। तो उसी में सब उसको फिर 4-5 लोग पीछे से आ गए, हम मुँह बांध के उसको मारने पीटने लगे। तो हम सर्किट हाउस में उसमें थे, फोन गया तो वहीं कमिश्नर साहब थे जैन साहब, तो उनसे हमने तुरंत वहीं तत्काल कहा और तुरंत उनको PRO ने शिवपुर थाना SHO महोदय को सूचित किया, यहाँ से पुलिस उठ गई तो हम लोग FIR नामजद ऐसे करवाए कि लड़के हैं डर जाएंगे, उनको लोग अगर पुलिस बार चले गए ऐसा वैसा फिर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो आज फिर हमने ये हमारे आदरणीय बड़े भाई विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष बड़े ही सम्मान व्यक्ति हैं राजेश जी, जा रहे थे राजेश पांडे भैया बड़ा गाँव, आज शोभा यात्रा निकलनी थी विश्व हिंदू परिषद की, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले यार चंचल मैं पांडेपुर हूँ, तो हमने कहा भैया थोड़ा सा आ जाइए, अब आप गार्जियन हैं बड़े, हम गड़िया से हैं अपने बच्चवा को लिए हैं और चल चलते, तो प्रिंसिपल साहब से कह दिया जाता है कि क्या कैंपस में हो रहा है थोड़ा सा देख लेने, फिर कल मारेंगे, सब धमकी दे रहे हैं। तो कहना चला मिलने वाले जाए, तो हम लोग गए तो धरना चल रहा था वहाँ, तो वहाँ पूछा गया तो लोग बोले कि यहाँ धरना चल रहा है, प्रिंसिपल साहब यहाँ नहीं है, बंगले पर मिलेंगे। तो एक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भैया परिचित थे, क्या नाम था भैया, अरुण कुमार सिंह, तो कहे चलिए हम दिखा देते हैं। तो वो गड़वा गाड़ी आगे आगे लेके मोटरसाइकिल चले और हम लोग पीछे से दोनों गाड़ी लेके जा रहे थे, मेरा बच्चवा पिछवा बैठा था, उसके साथ दो लड़के और जो थे कल वो गड़िया में बैठे थे, तो सब देखे तो वो सब देख लिए इसे, तो देख के आधा चक्का चलाने के, तो मैं अपनी गाड़ी रोक दिया, भैया गाड़ी आगे थी, तो उनको लगा कि ये सब मारने पीटने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग 5 लोग सम्मान व्यक्ति हैं, गार्जियन जाएंगे झगड़ा मार करने, हम लोग गए थे कि मामला भाई प्रिंसिपल साहब के दे दिया जाए नॉलेज में, हाँ कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। उसी में चक्का डंडा चलाना मारना, फिर जो 4-5 बच्चे इसके साथ थे, मेरे बच्चे के साथ जो देखे इसको चले आए भाई, उन लोगों के साथ मारपीट करना, हम लोग चिल्ला रहे हैं भैया थे, अरे बेटा हम लोग क्यों बोल आए हैं मिलने प्रिंसिपल से, कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा मार नहीं है, फिर भी इसी में गाड़ी साड़ी तोड़ना कूचना, बच्चों को मार दिए बहुत ज़्यादा, फिर हमारे भी बच्चे को बहुत मार दिए, तो बच्चों को किसी तरह के बचा के दूसरे गेट से, पीछे से गेट था उसमें से निकल के हम लोग बाहर आए। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी एंडीवर थी, एंडीवर हाँ, कुछ वहाँ पे गए थे असलाह वगैरह आप लोग लेकर के गए थे हमला करने गए थे? सर पूरा कैंपस जानता है, पूरा जिला जानता है, मैं ब्राह्मण हूँ, काली जी का भक्त हूँ, एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, अब आप मेरे होलिया देख ही रहे होंगे, और भैया जिला उपाध्यक्ष हैं, सबको पता है 5 लोग हॉस्टल में जाएंगे पिस्टल राइफल बंदूक लेके झगड़ा मार करने, और वो कैंपस में घुस के ऐसी धृष्टता हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे हैं गलती किए हैं तो अपने गलती छुपाने के लिए सब कार्रवाई करेंगे, अब इस तरीके से बुलेट कूच देना एकदम सब तोड़ तार खत्म कर दिए, गाड़ी भैया की स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त एकदम, मतलब आप गाड़ी भी देख लीजिए सामने खड़ी है, कुछ रह नहीं गया, हम लोग जान बचा के भागे कि भाई
200 बच्चे हैं 150, अब उसमें क्या करेंगे आप? तो ये घटना और कोई घटना नहीं है, और हम लोग झगड़ा मार करने नहीं गए थे, आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, देख के जानते हैं। आज शिवपुर थाने पे आप लोग पहुंचे हैं अभी इस घटना के बाद? भाई पुलिस गई, गाड़ी उड़ी लेके आई है, आज भी कल के हिसाब से FIR करवाएंगे। देखिए बुलेट अभी और आ गई, बुलेट स्थिति दम से जुड़े हैं, और आपके भाई हैं, वो बच्चे, उनका कोई दोष नहीं है, बच्चों का आक्रोश था, वो सब ऐसा किए, हम तो आए नहीं यार, गाड़ी मैं राजेश कुमार पांडे जिला अध्यक्ष बिसुंदु परिषद, हम जा रहे थे बड़ा गांव प्रोग्राम में, तो चंचल दुबे हमारे करीबी हैं, उन्होंने कहा थोड़ा सा प्रिंसिपल साहब से मिलना है, तो हम चले गए प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए, तो वहाँ पर हमारे एक करीबी हैं अरुण कुमार सिंह और पप्पू सिंह कर्मचारी संघ के नेता हैं, तो पहले मैं उनसे मिला कि प्रिंसिपल साहब का आवास दिखा दीजिए, तो दिखाने के लिए निकले, तब तक चंचल दुबे के गाड़ी पर सब अटैक कर दिए, वो लड़के मारने पीटने लगे, उनके लड़के को उनके करीबियों को सबको पीटने लगे, तो हम गाड़ी बढ़ा के हम सोचे कि निकल जाएं, गाड़ी बढ़ा के निकले, तो हमको मालूम नहीं था कि उधर हॉस्टल है, तो मैं पीछे जाके निकला, तब तक लड़के आके अटैक कर दिए, फिर मेरी गाड़ी तोड़ दिए, उनकी गाड़ी तोड़ दिए, इसी तरह जान बची है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? हमारी स्कॉर्पियो थी, उनकी गाड़ी इंडीवर थी। कुछ खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडीवर और जो एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रिंसिपल साहब से मिलना था, कोई मिलने के लिए हम गए थे, और कोई लेना देना नहीं है, उद्देश्य प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए था कि प्रिंसिपल साहब से मिलना है। किस मामले में मिलने गए थे? ये चंचल दुबे के लड़के को कुछ लड़के मार दिए थे, तो उन्होंने FIR यहाँ करवाया है, तो प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने के लिए जा रहे थे, तो हमसे कहे, हम बड़ा गांव जा ही रहे तो उसी रास्ते से, तो कहे कि थोड़ा सा भैया आप भी चले चलिए, तो हम कहे चले चलिए, तो हमने पहले अरुण कुमार सिंह और पप्पू सिंह से जाके मिला कि प्रिंसिपल साहब के यहाँ लेके चलिए हमको, तो प्रिंसिपल साहब के लेके चले, जो गाड़ी से निकले तब तक इनके गाड़ी पर सब अटैक कर दिए, तो हम सोचे कि अपनी गाड़ी हम बढ़ा लें, हमसे कोई लेना देना तो है नहीं, तो अपनी गाड़ी बढ़ा लिए, तो उधर फिर अटैक, ईटा पत्थर लेके सब अटैक कर दिए। आज पंजीकृत कराया है? नहीं, पंजीकृत कराएंगे, मुकदमा आए हैं तो पंजीकृत कराएंगे। कितने लोग घायल हुए? अरे कम से कम गाड़ियों में 5-7 लोग घायल हुए हैं, जी बहुत बुरी स्थिति है, कपार फट गया है, हाथ टूट गया है, ये स्थिति है, लड़के एकदम अटैक कर दिए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।